Good morning, dear class. In this previous, we have done the revision form. So, we can continue the gift of chapel subjects chapter. So, today we are doing the working with text. Okay. So, in this screen, you have fifth lines. You have to complete these lines. First one is Ravi compare Lali playing the violin too. So these are some lines you have to complete it. Okay, first you find in yourself, then show this answers. So these are the solution of this lines. Okay, you can easily write down in your copies. Ravi compares Lali playing on violin to dealing of the train group completely off track. Okay, so these are the solution. ये जो हैं ये आपके क्या हैं solutions हैं. पहले आप क्या करेंगे, ऊपर जो लाइन है वो लिखेंगे, एक एक करके इनको कंप्लीट करेंगे. और हो सकता है कि अपने मन से भी कर सकते हैं इसे, अगर नहीं मिल पाएगी तो ये इसका सोल्यूशन है. आगे बात समझ में, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है ना, तो इसको आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर अपीयरेंस, यानी कि जो म्यूजिक टीचर थे वो कैसे लग रहे थे. सो एज सीन फ्रॉम द विंडो, जैसे ही बच्चों ने विंडो से उस टीचर को देखा था, म्यूजिक टीचर हैड द बोनी फिगर, वो छोटे से थे, हाइट के ज़्यादा बड़े नहीं थे. ही हैड अ मोस्टली बोल्ड हेडेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड द ईयर्स ऑफ एन ओल्ड फैशन टॉप. तो वो ब्लैंक उनका हेयर जो थे वो बिल्कुल ब्लैक थे, उन्होंने ऑयल डाला हुआ था सर पे, ओल्ड फैशन हेयर थे. अ गोल्ड चेन ग्लिम्स अराउंड हिज लेदरी नेक, उनके जो नेक में एक गोल्ड चेन दिख रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड एज ग्रिप्ड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ वायलिन, और उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग चमक रही थी. अ लार्ज फुट स्टक आफ्ट हिज बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्ट्री एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ स्क्रू बिग टो. ठीक है, तो और जब भी वायलिन बज रहा था तो वो अपने पैरों के अंगूठों से क्या कर रहे थे, फ्लोर पे मार रहे थे. तो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ द म्यूजिक टीचर. ओके, यू कैन ऑल्सो दिस सॉल्यूशन नोट डाउन. नेक्स्ट इज व्हाट मेक मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय द चप्पल्स. ओके, सो फाइनली मृदु को कैसे उसने जाना कि जो बेगर्स है उसके पास चप्पल नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ निधु कंक्लूडेड दैट द बैगर्स हैड नो मनी टू बाय चप्पल्स बिकॉज हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड एज ही मूव्ड ऑन अ बेयर फुट इन अ हॉट समर ऑल्सो. क्योंकि इतनी गर्मी में वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल बेयर फुट यानी कि नंगे पैर ही चल रहे थे. तो दैट्स वाई निधु अंडरस्टूड दैट ही हैज़ नॉट मनी टू बाय अ चप्पल्स. सेकेंड इज वट डज ही सजेस्ट टू शो कंसर्न, उसने क्या किया. आंसर इज द किड्स फेल दैट द बैगर शुड हैव अ पेयर ऑफ स्लीपर्स. ही सजेस्ट मृदु एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स सो दे कुड गिव इट द बैगर्स. तो जो बच्चे थे उन्होंने एक ओल्ड स्लीपर्स का पेयर देखा हुआ था, तो उन्होंने उठाया और उस म्यूजिक टीचर को दे दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू चिल्ड्रन सी बिगिन एंड देन सीइंग दे आर क्यूरियसली क्वाइट वेन ऑन मोर स्लोली सीन एनीबडी लुकिंग अराउंड द वरांडा. देखो तुम पूछा गया है, क्वेश्चन लाइन दी गई है और क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क. रुक्मणी जो थी वो क्या पूछना चाह रही थी. सॉल्यूशन इज रुक्मणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर स्लीपर. वो पूछना चाह रही थी बच्चों से कि क्या किसी ने उनकी स्लीपर्स देखी थी. सेकेंड व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, व्हाई शुड ही चेंज हिज क्वेश्चन. सो आंसर इज शी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट एंड सी सस्पेक्टेड द चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग मिस्चीवियस विद चप्पल्स. उन्होंने क्या किया, वो बच्चे बिल्कुल शांत थे, सो दैट्स वाई ही सस्पेक्टेड दैट, कि उन्हें शक हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ क्या है, इन्होंने शरारत करी है. थर्ड इज व्हाट डिड शी थिंक्स हैड हैपेंड, उसने क्या सोचा क्या हुआ. व्हेन शी सॉ द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइटनेस शी थॉट दैट द चिल्ड्रन मस्ट हैव गिवन द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू ओल्ड विलेज. तब उन्हें आइडिया आया कि जो चप्पल्स थी उन्होंने ओल्ड मास्टर के बैगर को दे दी थी. ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस यू हैव टू नोट डाउन इन दिस फेयर कॉपी एंड प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट ऑल्सो.